आजादी की 75वीं सालगिरह शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में जगह जगह ध्वजारोहण किया गया। तराना के सिविल अस्पताल में बीएमओ डॉक्टर राकेश जाटव और बीई रामचंद्र भावरसिया ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और स्टाफ आदि मौजूद थे। झंडा वंदन के बाद मिठाई का वितरण भी किया गया। 15 अगस्त की आपने नगर के सभी जनता जनार्दनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा नगर तराना की जनता से अपील है कि रोड के किनारे जहाँ जहाँ फुटपाथ है वहाँ लोग गुमटियाँ रख लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसको नहीं करें। शासन प्रशासन का सहयोग करें, आगे हटाने में उसमें परेशानी आती है अतिक्रमणकर्ता को भी और निकाय को भी। अक्सर देखा गया है कि नगर में नलों में टोटियाँ नहीं है, तो टोटियाँ भी लगावे, पानी व्यर्थ बह रहा है जो पीने योग्य है। कचरा हमारी डोर टू डोर कचरा गाड़ी जो चल रही है उसी में डालें, और हमारे डस्टबिन भी रखें उसी में डालें, व्यर्थ में जब उधर नहीं फेंकें। स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, और हमारे समस्त कर हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, मतलब सब टैक्स है, ये अन्य किराया है, सभी को समय पर जमा करें। यही मेरी जनता से गुजारिश है। धन्यवाद। तहसील कार्यालय में तहसीलदार डीके वर्मा ने झंडा वंदन किया। तहसील के अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक महेश परमार पुत्र की बीमारी के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम उपरांत मिठाई बांटी गई। युवा नेता पार्षद द्वारकाधीश शर्मा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कोर्ट परिसर एवं तहसील परिसर में बार एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सिंह बड़ाल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद वरिष्ठ और सीनियर वकीलों ने जूनियर वकीलों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण मशीनरी स्टोर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। हमारा पता महितपुर नाका उज्जैन रोड तराना। सभी देशवासियों को, नगर वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कोरोना को देखते हुए नियम का पालन करें, सरकारी नियम का पालन करें, और तीसरी लहर की एक संभावना जो बनी हुई है उसके लिए एक गाइडलाइन के हिसाब से अपने को चलना है। और सभी को स्वच्छता जीवन अच्छे ढंग से बनाना है, और दूरी का ध्यान रखना है, मास्क का ध्यान रखना है, हर चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। इसी साथ नगरवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य दिग्विजय सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया। हालांकि कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया, इसमें विद्यार्थी शामिल नहीं हुए। स्कूल स्टाफ में ध्वज वंदन के बाद मिठाई वितरित की गई। महामारी से मुक्त हो और कोरोना और गाइडलाइन का पालन करें, और भोलेनाथ की सवारी में दर्शन करने आए। भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बूर मुंडला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद झंडा वंदन किया। अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग आज यह संकल्प लेकर के जाएं कि हम शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना को निश्चित रूप से हराएंगे। और निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि हम कोरोना को निश्चित रूप से हमारे प्रदेश और देश से हरा करके पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। एसएस पेट्रोलियम तराना भुआखेड़ी रोड के ऑनर एडवोकेट संजीता श्रीवास्तव और पूरी टीम की ओर से सभी नगर और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। शुद्ध पेट्रोल डीजल मिलने का एकमात्र स्थान एसएस पेट्रोल पंप। तराना के ग्रामीण क्षेत्र में भी झंडा वंदन किया गया। खेड़ा नगर में कन्या छात्रावास तराना की अधीक्षिका श्रीमती नीलमणि चौहान ने झंडा वंदन किया। इस मौके पर मिठाई भी वितरित की गई। तराना युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर की तरफ से आप सभी देशवासियों और शहरवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।